ओके सो हे गाइस बस सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू पर्णव पीजी का फायर फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करूँगा जिन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इसलिए वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस आप सभी से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा गाइस, जिसमें आपने देखा होगा फोटो जो है हमारी ब्लैक एंड व्हाइट है, तो गाइस उसको आपको रीटच कैसे करना है गाइस, ठीक है? क्योंकि गाइस पहले तो हम फोटो को रीटच ही करेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस है जो एडिटिंग का फायर का पीएनजी वगैरह लगाना है वो हम बाद में करेंगे, बट गाइस पहले हमें रीटच वगैरह करना है। तो आपको कैसे करना है गाइस पहले मैं वो आप सभी को एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो गाइस आप वाला पार्ट पूरा एकदम ध्यान से देखना भाई। गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो गाइस आपको अपनी फोटो को क्लिक करवा लेना है, ठीक है? देन उसको आपको लाइटरूम ऐप में ओपन करना है, फिर आपको इस लाइट वाले ऑप्शन में जाना है, फिर उसके बाद आपको उसका थोड़ा सा जो कॉन्ट्रास्ट है इसको कम करना है, एंड जो हाईलाइट है इसको आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है, ठीक है? फिर उसके बाद शेडो जो है गाइस इसको आपको यहाँ पे बढ़ा देना है, ठीक है? जो आपकी फोटो की डिटेल होंगी वो वापस आ जाएंगी, तो शेडो को बढ़ाना है, एंड जो व्हाइट है इसको कम करना है, एंड ब्लैक है जो इसको भी बढ़ा देना है, फिर ठीक है? आपको जाना फिर कलर्स वाले ऑप्शन में, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वाइब्रेशन बढ़ाना है, फोटो में थोड़ा सा टेम्परेचर कम करना ताकि फोटो में जो ना हल्का सा ब्लू टोन आ जाए। देन जाना आपको कलर मिक्स में ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन को आपको माइनस करना ताकि आपका फेस है जो थोड़ा ब्राइट हो जाए, एंड उसके बाद जो ल्यूमिनस है उसको बढ़ा देना है, एंड उसके बाद जाना आपको येलो कलर में, एंड इसका सैचुरेशन माइनस करना, यानी कि येलो के बाद जितने भी कलर है सबका सैचुरेशन आपको माइनस करना है बस पिंक कलर को छोड़ के, ठीक है? फिर उसके बाद इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पर डन करना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ से जाना कलर्स के नीचे वाले टूल में, ठीक है? तो यहाँ से हम चलते हैं, एंड यहाँ पे गाइस आपको फोटो की क्लियरिटी बढ़ानी है, फोटो में जो विग्नेट दिख रहा है गाइस आपको वो डालना है, मतलब विग्नेट गाइस आप थोड़ा ज़्यादा ही डालना, ठीक है? क्योंकि यार फोटो जो हमारी ब्लैक एंड वाइट है ना, तो आपको विग्नेट जो है ज़्यादा ही डालना। देन आपको यहाँ पे ग्रेन अमाउंट बढ़ाना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना नीचे वाला टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस बढ़ानी है, फोटो में जो नॉइज रिडक्शन है गाइस आपको उसको बढ़ाना है, एंड इसके नीचे जो आपको कलर नॉइज रिडक्शन दिख रहा है आपको उसको भी बढ़ाना है, ठीक है? फिर उसका जितना करने के बाद आपको फ्री करना है। अभी गाइस इसमें जो है मतलब कि जो टोन है मेरे को थोड़ा मतलब कि ठीक से लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी हमारी फोटो में ब्राइट लग रही है एंड फोटो ब्लैक एंड वाइट लग नहीं रही है, तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे गाइस हम वापस से जाएंगे, हम ये कलर के नीचे वाला जो टूल है इसमें जाएंगे, एंड उसके बाद गाइस इसमें विग्नेट हम और डालेंगे थोड़ा, ठीक है? विग्नेट डालेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे फिर करेंगे, एंड इसको जाएंगे लाइट वाला ऑप्शन में, हम इसमें थोड़ा सा एक्सपोजर कम करेंगे, ठीक है? तो अब गाइस यहाँ पे थोड़ा परफेक्ट लग रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं, एंड जो बाकी प्रोसेस है हमारा जो वो तो लाइट रूम ऐप में हम करेंगे, ओ सॉरी पिक्स आर्ट में करेंगे, तो इसको हम लेके चलते हैं पिक्स आर्ट ऐप में। तो अभी इसको हम सेव कर लेते हैं, सो यहाँ पे डन हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने पिक्स आर्ट में अपनी फोटो को ऐड कर लिया है, तो आपको क्या करना है, पहले जाना आपको यहाँ पे ऐड फोटो में, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आपको ऐड करना है आपको ये जो मतलब कि जला हुआ लकड़ी होती है ना गाइस, जैसे मतलब कि फायर वाला ये, तो आपको इसको लेना है, एंड इसको पहले तो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसे रखना है, अपने जो अपना हैंड में जो भी अपना पकड़ा होगा ना आप उसके ऊपर ऐसे रखना है आपको। फिर इरेजर टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश का साइज थोड़ा कम करना है, एंड उसके बाद अपनी फोटो को जूम करना है, एंड फोटो को जूम करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ऐसे पेंट करना है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से, एंड गाइस ये वाला जो पीएनजी गाइस मैंने काफ़ी मेहनत लगी थी यार मेरे को ढूंढने में, मैंने बहुत गूगल में बहुत छानो किया, छानबीन की थी यार इस पीएनजी के लिए, तो तब जाके मेरे को मिला था। तो गाइस इस पीएनजी के लिए यार प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो अभी हम इसको डन करते हैं, आप इतना परफेक्ट है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करेंगे एक फायर का पीएनजी ये वाला, ठीक है? तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, एंड इसको करेंगे स्क्रीन। तो गाइस अभी हमारे यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, अभी हम इसमें कुछ और भी चेंजेस करने हैं, बट पहले हम इसको लगा लेते हैं कि आपको लगाना कैसे है। आपको रोटेट करें कुछ इस तरीके से, आपको यहाँ पे लगाना है मतलब जहाँ जहाँ पे मतलब अपने जो फायर का पीएनजी लगाना है वो जला हुआ वो हम, उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लगाना है, ठीक है? उसी के ऊपर ऊपर लगाना है, एंड उसके बाद यहाँ पे जाना आपको एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद आपको जाना कॉन्ट्रास्ट में, कॉन्ट्रास्ट में वो आपको थोड़ा सा ऊपर इधर बढ़ाना है हल्का सा अराउंड 23 तक। देन गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है हाईलाइट में, आपको जो हाईलाइट यहाँ पे थोड़ा कम करना है, एंड उसके बाद आपको शेडो मिलेगा, आपको शेडो को जो है यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कम करना है अराउंड 28 तक, एंड उसके बाद यहाँ पे इतना परफेक्ट है, अब इसको आपको कर देना है डन, ठीक है? तो इतना हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम गाइस, अब यहाँ पे फोटो को डन करते हैं, एंड यहाँ पे जाएंगे ऐड फोटो में, एंड अभी हम एक पीएनजी और ऐड करेंगे पार्टिकल का, तो आप यहाँ से ऐड कर लेते हैं, एंड यहाँ पे ऐड, एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, एंड इसको करेंगे स्क्रीन, एंड उसके बाद हम इसको रखेंगे यहाँ पे फायर के पास कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है। तो अभी क्या करेंगे, हम रिजर टूल में जाएंगे, एंड जो फेस के ऊपर एरिया आ रहा है एंड नीचे की तरफ थोड़ा सा उसको इरेज कर लेंगे, एंड इतना परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम इस अपनी फोटो कर लेते हैं डन। तो गाइस यहाँ पे इतना हमारा काम हो चुका है, तो गाइस हमारी फोटो जहाँ पे एकदम परफेक्ट तरीके से एडिट हो चुकी है। तो गाइस आपको मैं बिफोर एंड आफ्टर दिखा रहा हूँ यहाँ पे,
तो गाइस ऐसा करता हूँ, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो यार इन दोनों में से कोई भी वीडियो पर आप क्लिक करो, या फिर आपको इनमें से अगर इनके अलावा कोई और वीडियो देखनी तो आप मेरे चैनल के लोगों पर क्लिक करो, मेरे चैनल पर जाकर कोई भी वीडियो को वॉच कर सकते हो। एंड गाइस मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।